दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण की आहट से पहले सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। प्रदूषण के खिलाफ जन भागीदारी से अभियान चलाने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में विंटर एक्शन प्लान के लिए 10 फोकस पॉइंट तय किए गए हैं, जिसमें पराली की समस्या, व्हीकल पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, वेस्ट बर्निंग को रोकना, हॉटस्पॉट्स जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, स्मोक टावर की स्टडी, पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत, वॉर रूम को और एडवांस बनाना, ग्रीन ऐप को अपडेट करना, केंद्र और केंद्रीय कमीशन के साथ संपर्क करना जैसे पॉइंट को शामिल किया गया है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जन सहयोग से सक्रिय अभियान चलाने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। आज हमने पहली बैठक पर्यावरण विभाग, DPCC, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के साथ की है, जिसमें मुख्य तौर पर हम लोगों ने आज इस बात पे चर्चा की है कि विंटर एक्शन प्लान का फोकस बिंदु क्या क्या होना चाहिए, जिस पर सरकार प्रमुखता के साथ काम करेगी। उसमें मुख्य तौर पर आज की बैठक में जो सुझाव आए, उसके आधार पर हमने 10 सूत्री फोकस पॉइंट डिसाइड किए हैं। क्योंकि दिल्ली में मल्टी पॉलिसिटी ऑफ अथॉरिटी की एक बड़ी समस्या है, इसीलिए सभी विभागों के बीच तालमेल बैठाने के लिए 14 सितंबर को प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। क्योंकि दिल्ली की जो पोल्यूशन की समस्या है, वो केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। जितने एक्सपर्ट्स के साथ हमने बात की है, हर सबका एक ही बात कहना है कि ये एयर सेट का मसला है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है राज्यों का, वो पोल्यूशन उसको नहीं मानता। जो एयर सेट है नॉर्थ इंडिया का, वो इसको इम्पैक्ट करता है। अगर गाजियाबाद के अंदर पर्यावरण के अंदर कोई भी छेड़छाड़ होती है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर भी होता है। हरियाणा के अंदर कुछ होता है, उसका भी इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर होता है। राजस्थान के सराउंडिंग में होता है, उसका इम्पैक्ट भी दिल्ली के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश की सराउंडिंग में होता है, उसका भी इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर होता है। तो इसलिए हमने एक फोकस पॉइंट जो 7वां हमने बनाया है कि राज्यों के साथ संवाद, हम अधिकारियों की एक टीम बनाएंगे कि जो उनसे संवाद करके क्या जितना हम पुश कर सकते हैं उसको करेंगे। गोपाल राय ने कहा कि सिर्फ कानून को बनाने और मुकदमा करने से पराली जलाने की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए प्रोएक्टिव काम करना जरूरी है। पहले से ही इसीलिए इसकी तैयारी कर रहे हैं कि नीचे तक, क्योंकि लोगों की भागीदारी, क्योंकि पोल्यूशन जनरेट पहले होता है, बाद में कंट्रोल होता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं कि जो जनरेट होता है पोल्यूशन, उसको ही कम करने की तरफ बढ़ा जाए। और जनरेट करने में हम सबकी भूमिका है। दिल्ली के अंदर हम जितने लोग रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कितना मात्रा में जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जनरेट करने वाले बाहर से लोग नहीं आते, हम जनरेट करते हैं। आफ्टर दैट हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस बार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करने वाली जो मुहिम है उसको और साफ करें, लेकिन ऐसे एक्शन प्लान की तरफ भी हम बढ़ेंगे कि उसके जनरेशन को उस समय अगर हम लोग, हर व्यक्ति अपने हिस्से के अगर उसको हम कंट्रोल करें, तो शायद मतलब ज्यादा हम लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर तक विंटर एक्शन प्लान बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद इसके मुताबिक कार्रवाई होगी। सरकार की तमाम कोशिशें इस बात पर निर्भर करेंगी कि पड़ोसी राज्य इस मामले में कितनी मुस्तैदी दिखाते हैं। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।